नमस्कार भाई लोग, ये पिंटू दीवाना एक ठो गायक है, बच्चा है, मधेपुरा का है। उसका वीडियो देखे हैं, उसको कुछ लोग सब ना अपना अस्तूरा से माथा का केस उस छील दिया है, उसकी हजामत बनाया है, उसको घुमा रहा है सड़क पर, उसका वीडियो बनाया है और खबर बन गया है, वो उसको सजा दिया है, इसलिए वो अश्लील गाना गाता है। अरे भैया, पिंटू दीवाना अश्लील गाना गाता है इसलिए उसका हजामत कर दिए हो तुम लोग, निरहुआ को छोड़ दिए, अखेसारी को, मनोज तिवारी को। अरे ये सब जो आज इतना बड़का बड़का स्टार बना हुआ है, राजनीति में भी इतना ऊंचा मुकाम पा लिया है, अश्लील गीत अश्लील सिनेमे करके बनाया, जिसको देखने वाले तुम ही लोग थे ना। अब बड़का आदमी हो गया तो थोड़ा बढ़िया काम भी कर रहा है। अरे भैया, अश्लील गाना कोई काहे गाएगा भाई, जब तू देखोगे नहीं तुम लोग, मतलब हजामत बना दोगे उसका। ये गुंडागर्दी तो अपने अंदर करो ना, कि हम अश्लील वीडियो नहीं देखेंगे तो बसल बनाएगा कैसे कोई हो। मतलब हमको तो इस बात का गुस्सा है कि अब वो गायक कैसा है तो कोई बात ही नहीं है, बस गाता है, कोई संगीतकार बताएगा कि कैसा गायक है, और हम इसका उकालतू नहीं करते हैं कि अश्लील गाना गाना चाहिए। लेकिन भाई, वो जो अश्लील गीत गाता है तो जरा देखो ना, कोई लिख के दिया होगा ना, कोई म्यूजिक भी बनाया होगा, कोनो स्टूडियो में वो जो है रिकॉर्डिंग भी हुआ होगा, फिर कैमरा वाला आया होगा, फिर शूटिंग करी होगी, फिर एडिटिंग करा होगा, तब जा करके एक वीडियो बनता है और उसको डालता है आदमी। वो अकेला बंदा खाए बदमाश हो गया भाई तुम्हारी नज़र में, और तुम अश्लील नहीं सुनते हो। एक तो बात बताते हैं, कुछ अभी देखे हैं अभी पिंटू दीवाना का वीडियो उडियो, तो वो तो साफ कहता है कि उसका वीडियो जो है, उसका गाना जो है, वीडियो अश्लील नहीं होता है, बोल अश्लील होता है। अब देखो वो जो गाना गाया, राजा हो छाने छाने मौन कर रहा था, छुपाया कुछ हो, लिखा ना टाइटल में थंबनेल में कि राजा हो छाने छाने मौन कर रहा था, कहा क्लिक क्लिक करके चले गए देखने। हाँ, फिर उसको है ये, अच्छा चोलिया में जवानी बार तंग कर रहा था, उसका अगला लाइन है, अच्छा रतिया मैथिली में गाना है, रतिया में तकिया पर ले तो मजा, रतिया में तकिया पर ले तो मजा, ए में कौन चीज है भाई जो छिपा हुआ है, कहा जाते हो देखने, मजा लेके देखने चले जाते हो, देखे कौन चीज है, हैं? अच्छा दिलवा ले गई स्कूलिया ड्रेस वाली, अब दिल ले गया ए में तो हमको तो इसका थंबनेल गंदा नहीं लगता है। हाँ चोलिया में डाल रंगवा, अरे इसे हजार गुना ज़्यादा अश्लील सब तो भोजपुरी वाला कर चुका है, अद रोजे कर रहा है, काहे के लिए उसको हजामत कर दिए, कब सोच के। अच्छा इसमें लिखा, अच्छा एक तो और तो खूंखार है बोलेरो वाला, खरे खरे लेता हूँ, तो बहुत अश्लील है भाई, एकदम डायरेक्ट देखने के लिए कहे गए, पैसा दिया था देखने के लिए, आखिर उसके पास पैसा नहीं था हजामत बनवाने के लिए, हजामत कर दिए जाके उसका। लक्ष्मी फिल्म्स है, गीतकार लिखते हैं समित बिहारी है, लक्ष्मी स्टूडियो है, इधर गया में कोनो हलचल स्टूडियो है, निर्माता लड्डू हलचल यादव, रिकॉर्डिंग हलचल स्टूडियो गया, तो इस सब जगह पे काम होता है, उसको बुलाता होगा, दो पैसा देता होगा, बच्चा को उगाता होगा। एक और बात बता दें, इस सबका जो व्यूज है, वो राजा हो छने छने मौन करो तो, या रतिया में तकिया पर ले लो मजा, या फिर दिलवा हो गई स्कूल वाली पे फिदा, जे हो कौन गाना, 5000 6000 7000 से ज़्यादा व्यूज नहीं है। लेकिन एक तो जो पिंटू दीवाना है उसका तो गीत देख के हम जा जाए सुगना, तो हम देखे जाके क्लिक करके 200 व्यूज था उसका शुरू वाला वीडियो, बताइए। लेकिन उसका अगला लाइन जो था कि चुम्मा लिहे गाल पर, अगर वो लिख देता तो 1000-2000 भी जो ही है जाता। तो कुल मिला के बात इतने है कि मैथिली या भोजपुरी का जो तुम लोग दर्शक हो, आप लोग दर्शक है ना, उसके दिमाग में अश्लीलता है, थला खूने में घुस गया है, मतलब कि अश्लील चीज़ काली देखेंगे, बढ़िया चीज़ कौन देखता है यूट्यूब पर देखने वाला सब। अब हम एक ठो चीज़ लिख के लाए हुए हैं कि अब आपको दिखाते हैं कि ये जो है व्यूज कितना कितना है,
67 मिलियन मतलब 6,70,00,000 व्यूज है। चुम्मा लिलको 3 बजे भोर हरिया में एक गीत है उसका, नहीं देखे होंगे। बिहार की आबादी जितनी है उसका लगभग 3/4 आदमी तो देख ही लिया होगा। चुम्मा लिलको 3 बजे भोर हरिया में कहते हैं कि मैथिल पूरा दुनिया में जो है बोलने वाला 6 करोड़ है, और 6,70,00,000 इसका व्यूज है। तब और चीज़ देखा होगा जो वो बुझा होगा कि चुम्मा माने क्या होता है, भोरहरिया माने की होता है, सब देखा होगा। कहते हैं अश्लील नहीं पड़ोसी, अश्लील मत गाओ, लेकिन अश्लील खोज खोज के देखेंगे। स्प्रिंग सेट छाओ 17 मिलियन हैं, 1,70,00,000। अच्छा एगो है गीत 12 मिलियन व्यूज है, हम पागल तोहर नथिया पर, तो छोड़ी कहे छे नथिया टूटल से यहाँ खटिया पर। तो ये बोली सुन सुन के थंबनेल देख देख के जाते हैं यूट्यूब पर, देखते हैं ऐसा चीज़ देखते हैं कि अंदर में कुछ हो नहीं हो थंबनेल पे निहाल हो जाते हैं, देखते हैं सब्सक्राइबो कर लेते हैं ना। इतना दिन से हम यूट्यूब चलाते हैं, एक से एक चीज़ से परोसते हैं, 50,000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, 49,000 पे आके दे हिल रहा है 2 महीना से। काहे भाई बढ़िया चीज़ काहे नहीं देखते हैं, है पिंटू दीवाना अश्लील हो गया, अश्लील देख देख के बना दिए मनोज तिवारी, अश्लील देख देख के बना दिए निरहुआ, अखेसारी अभी सामने आएगा तो पैर पड़ जाइएगा, आहा हमारा स्टार आ गया। अब पिंटू मधेपुरा के घर में है, उसको दिख गया तो जा करके ठोक दिए, अब पुलिस वुलिस कुछ देखेगा ना तो पिछवाड़ा पर जो लगाएगा ना सीमेंट का भी होगा तो भुस्सा कर देगा, कानून को हाथ में लेते हैं, कलाकार को ठोकिएगा, इसलिए अश्लील कहता है। अरे अश्लील देखना छोड़िए, कलाकार गाना छोड़ देगा, बजाना छोड़ देगा, बुझते नहीं हैं हैं, सबका अपना अपना ठरक, एक जैसा ठरक है सबका, ठरक अपना, थप्पड़ दूसरे पर, ठरक अपना, हजामत दूसरे का हैं। बताइए अश्लील वीडियो बनाने को लतियाने के लिए जाएगा, बढ़िया 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 वीडियो बनाएंगे तो देखने के लिए नहीं जाएगा कोई, और पिंटू दीवाना जब गाएगा कि हंसी भी आती है भाई साहब, क्या किया ये कौन था, मतलब एक ठो पेलना बाबा जो था उसमें बाबा पेलन दास आश्रम 15 मिलियन, अरे बाप रे बाप, 1.5 करोड़ नीचे लिखा हुआ अकेले में देखें हैं। चुम्मा वाले बाबा 50 मिलियन, 50 मिलियन 5 करोड़। चुम्मा वाले बाबा दिखिएगा अंधेरे में चुपचाप हैं। शिवलिंग माने क्या होता है 90% 95% लोगों को नहीं पता है, और महाशिवरात्रि मनाते हैं हैं, लोग कंडोम चढ़ा देता है, अब हिंदू हैं और जानने की कोशिश नहीं करते हैं, कोई वीडियो 36 वीडियो है नेट पे देखिए शिवलिंग माने क्या होता है, कोई देखता है जाके। एक और बात बताते हैं, जो बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं ना उसका भी टाइटल अगर अश्लील डाल दें थोड़ा सा घुमा फिर अगर डाल दें तो उसका व्यूज हो जाता है भाई। और आप जैसे लोग जो अश्लील दिमाग के हो, अश्लील टाइटल देख करके वीडियो देखने जाते हो, वो गाली देते हो गए फिर जाके कि इतना अच्छा वीडियो था टाइटल कैसा दे दिया था, मन भरमा दिया था हमारा। दिमाग को साफ रखिए, सुंदर स्वच्छ तो बात बनेगी। कोई अश्लील गीत नहीं गाना चाहता, समझे कि नहीं, कोई कलाकार अपने ऊपर लांछन लगवाना नहीं चाहता, ये दर्शक सब ऐसा है क्या करेगा आदमी। आप जो हैं करोड़ों करोड़ लोग एक मतलब मोबाइल से एक जगह 10 बार देख लीजिएगा एक ठो, कहे तो अश्लील है नहीं। और हाँ जाते जाते एक ठो बात अंत में हम जरूर कहेंगे कि एक ठो चैनल पे देखे थे, कोई कह रहा था कि पिंटू दीवाना जो है बगल वाली गांव की जो लड़कियों हैं उस सबको देख के कोनो चिन्हासी करके गाना गा दिया था, अगर ऐसा किया था तो बहुत गलत है, तब तो ठुकाई पिटाई सब जायज है भाई। आप अश्लील कीजिए या जो करना है कीजिए, आपको दर्शक मिल रहा है कीजिए, हम कहाँ से रुकेंगे, दर्शक नहीं देखेगा फ्लॉप हो जाइएगा, लेकिन किसी को चिन्हासी करके कोई चीज़ करना ठीक नहीं है। हम पिंटू दीवाना के साथ इसीलिए खड़े हैं कि दर्शक जो है वो गंदा चीज़ देखने की आदत में पड़ गए हैं, जब अपनी आदत छोड़िए पिंटू दीवाना पैदा ही नहीं होगा।
तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को तो जरूर शेयर कीजिए, समझे कि नहीं, लोगों तक पहुंचे कि अश्लीलता दिमाग से हटे तो अश्लील गाने से मुक्ति मिले, मैथिली हो चाहे भोजपुरी हो। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको दीजिए इजाजत। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।